हिंदुस्तान से लेकर थाईलैंड और पाकिस्तान तक कई देशों में बेहिसाब बारिश बाढ़ की वजह बनी हुई है। हम आपको देश दुनिया से आई सैलाब की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अपनी फ्लड रिपोर्ट में देखिए ये तस्वीरें। सड़क पर सैलाब उफान मार रहा है, रफ्तार इतनी तेज कि किसी को भी बहा ले जाए। सैलाब के शोर के बीच ये कार फंसी है, जिसमें बैठा शख्स अपनी जिंदगी के लिए दुआ कर रहा है। मकान के चबूतरे पर खड़े ये लोग इसको बाहर तो निकालना चाहते हैं, लेकिन पानी में उतरने की हिम्मत किसी की नहीं। किसी तरह एक शख्स गाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी पानी के बहाव के साथ ये कार बहने लगती। देखते ही देखते चंद सेकंड में कार सैलाब में बह जाती है। ये वीडियो पाकिस्तान के कराची शहर का है, जहां बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। पूरा शहर पानी में डूब चुका है, हालात बहुत भयानक हैं। सैलाब में फंसकर अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये संत सैलाब को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। रौद्र रूप लिए पानी आश्रम में सब कुछ तबाह करने पर उतारू है। वीडियो मध्य प्रदेश के सतना में मौजूद धारकुंडी आश्रम का है, जहां भारी बारिश के चलते पानी घुस आया और आश्रम में हालात बेकाबू हो गए। वीडियो में दिख रहा है आश्रम के हर कोने में पानी घुस चुका है। आंगन हो या कमरे, हर जगह पानी ही पानी है। दरअसल इस आश्रम से सटा हुआ एक झरना है, जिसने बारिश के चलते रौद्र रूप ले लिया। झरने का बहाव इतना ज्यादा था कि देखते ही देखते आश्रम का कुंड भर गया और गुफा के रास्ते पानी सीधा आश्रम में आ गया। ये वीडियो मौके पर मौजूद एक संत ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। महज 6 सेकंड और पूरा का पूरा घर सैलाब में समा गया। वीडियो के पहले फ्रेम में दिख रहा है मकान के नीचे की आधी सड़क बाढ़ के पानी में बह चुकी है। किसी तरह से मकान टिका है। अगले ही सेकंड ये मकान पानी में गिरने लगता है और पल भर में भरभरा कर ढह जाता है। तबाही का ये वीडियो यूएस के येलोस्टोन पार्क का है, जहां जून में आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई थी। अब बाढ़ के विध्वंस का ये वीडियो येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रशासन ने रिलीज किया है। वीडियो में हर तरफ सिर्फ तबाही दिख रही है। कहीं पेड़ बाढ़ में बह गए तो कहीं पुल टूट गया। हाईवे की कई किलोमीटर लंबी सड़क भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई, जिससे लाखों डॉलर के नुकसान की बात कही जा रही है। उफनते सैलाब का ये शोर डरा रहा है। तेज रफ्तार से बहते पानी का रौद्र रूप देखकर कोई भी सिहर उठे। बिहार के रोहतास की तस्वीर है, जहां चेनारी में मौजूद गुप्ता धाम में अचानक पहाड़ी नदी में आए उफान से हालात बेकाबू हो गए। नदी में आए उफान के चलते बाढ़ का पानी गुप्ता धाम के मुख्य द्वार तक जा पहुंचा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि यहाँ मौजूद दुकानें बह गई। इस दौरान एक कार भी बाढ़ के पानी में फंसी, जिसमें सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। नदी के दोनों तरफ सैकड़ों लोग तकरीबन एक घंटे तक फंसे रहे। सावन के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। व्यापारियों ने यहाँ दुकानें लगाई थी, मगर गनीमत ये रही कि सैलाब में फंसकर किसी की जान नहीं गई। सड़कें डूबी हैं, बसों में पानी भरा है, बाइक भी पानी में डूब गए। घर, मकान, दुकान, सब जगह सैलाब का बसेरा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बीते 24 घंटे में इतना पानी बरसा कि शहर समंदर सा बन गया। हर चौक चौराहे पर पानी ने कब्जा कर लिया।
दरअसल बैंकॉक में गुरुवार के दिन जबरदस्त बारिश हुई, जिसके चलते शहर के हालात बद से बदतर हो गए। जो जहां था वहीं फंस गया। कई इलाकों में 132 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जिसने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की आशंका जताई है। भारी बारिश के चलते शहर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये यूपी के इटावा में मौजूद मैनपुरी अंडरपास की तस्वीर है, जहां चंद घंटे की बारिश ने ब्रिज को नदी बना दिया। अंडरपास में पानी भरने के चलते दो लोगों की जान आफत में आ गई। वीडियो में ब्रिज के नीचे एक ट्रक फंसा है, जिसकी छत पर ड्राइवर और हेल्पर जान बचाने के लिए बैठे हैं। पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि सिर्फ ट्रक की छत दिख रही है। यहां फंसे लोगों को इटावा जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के चलते इनका ट्रक रात में यहां फंस गया। पूरी रात ट्रक की छत पर बिताई। सुबह प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद इनका रेस्क्यू हुआ। घाट पानी में डूबे हैं। घाट के पास बना मंदिर भी पानी की चपेट में। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में जारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल नर्मदा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन अगर पानी बढ़ता रहा तो बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों में अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल डिंडौरी और इसके आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर, निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी भरा है। बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का 12 जिला भी भारी बारिश के चलते बेहाल है। ज्यादातर गांवों में पानी भर गया है। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये तस्वीर 12 जिले के अंता कस्बे की है, जहां मौजूद एकमात्र संस्कृत स्कूल में पानी भर गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है स्कूल परिसर में 3-3 फीट तक पानी जमा है, जिसके चलते स्कूली बच्चे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर है। दरअसल स्कूल की इमारत मुख्य सड़क से नीचे है, जिसके चलते यहां हर साल बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी अधिकारियों को भी दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।